जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पर क्यों नहीं कोई नहीं बताया होगा, आज मैं वो वर्कआउट आपको बताने वाला हूँ। करते हैं तो एक इंच का बाइसेप में पंप आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट करिए एक बार, एक इंच आपको बाइसेप में पंप देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल का चेस्ट वर्कआउट जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे भी अच्छा प्यार और रिस्पांस देखने को मिलेगा। आज बेसिकली मैं बाइसेप एंड ट्राइसेप का सुपर सेट, जो कि आज तक पूरे यूट्यूब पर क्यों नहीं कोई नहीं बताया होगा, आज मैं वो वर्कआउट आपको बताने वाला हूँ। इस वर्कआउट को आप अगर फॉलो करते हैं तो एक इंच का बाइसेप में पंप आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट करिए एक बार, एक इंच आपको बाइसेप में पंप देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। नंबर वन एक्सरसाइज की बात करूँ तो सबसे पहले मिडिल रॉड जो होता है उसको लेके आना, उसमें वेट अपना अपने हिसाब से लगा ले और कुछ इस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है बाइसेप कर्ल, कुछ इस प्रकार से आप परफॉर्म करें, उसके बाद आराम से ऊपर करें और आराम से नीचे लेके आए। जितना ही स्लो करेंगे उतना ज़्यादा टेंशन आपके बाइसेप पे जाएगा। और नंबर वन एक्सरसाइज हो गया, रुकना नहीं है, तुरंत जैसे ही ये कंप्लीट होता है एक्सरसाइज तुरंत आ जाए आप स्मिथ मशीन के पास और ट्राइसेप एक्सटेंशन करने लगे कुछ इस प्रकार से। इसमें भी ध्यान रखें आप आर्च बना के, कमर में आर्च बना के फिर यहाँ पे जो हैंड होता है हैंड को लॉक कर लेंगे और फिर आराम से नीचे लाएंगे, आराम से ऊपर जाएंगे। ऊपर 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, इतना ऊपर आप लेके जा सकते हैं, इतना से ऊपर नहीं जाना है। 90 डिग्री एंगल का बनाएं फिर नीचे आराम से लेके आएँ। इन दोनों को एक साथ आप परफॉर्म करें, दोनों का तीन तीन सेट लगाना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन की बात करूं तो 15, 12, 10 भी आप कर सकते हैं। दो डंबल ले ले, इंक्लाइन बेंच पे ऐसे लेट जाना है और ये शोल्डर को पूरा पीछे की तरफ ऐसे खींच के बाहर की तरफ लाना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको बाइसेप कर्ल परफॉर्म करना है। देख सकते हैं जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आप वैसे ही परफॉर्म करें, बहुत ही तगड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं कैसे ये कर रहे हैं। जैसे ही आपका 15 से 20 रेपिटेशन निकलता है तुरंत बाद डंबल ऊपर करेंगे, डंबल ऊपर करिए, तुरंत बाद डंबल ऊपर करके ट्राइसेप वर्कआउट करने लगेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है, देख सकते हैं कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा नीचे लाना है, कान के पास लाना है, फिर वहीं पे सामने एकदम पूरे हैंड को खोल देना है। सामने खोलिए, आप देख पा रहे होंगे ट्राइसेप पे कितना अच्छा लोड आ पा रहा है इस वर्कआउट से। ऐसे ही परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज की बात करूं तो 15, 12, 10 रेपिटेशन और सेट की बात करूं तो 3 से 4 सेटअप लगाइए। थर्ड वर्कआउट जो है कंसंट्रेशन कर ले, कुछ इस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है। कई लोग होते हैं ये जो खिल्ली होता है उसको यहाँ पे रख के परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं आ पाता है बाइसेप पे। यहाँ रखें, पूरे बाइसेप को अपने जांघ पे रखें और तब परफॉर्म करें, ज़्यादा टेंशन आपको मिलेगा बाइसेप पे। जैसे ही ये कंप्लीट होता है दोनों हाथों से तुरंत बाद डंबल लेंगे और ऊपर से हेड ओवर एक्सटेंशन डंबल करने लगेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप इस ये दूसरे बेंच का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें पीछे सपोर्ट हो। अगर आप बिगनर हैं तो पीछे सपोर्ट लेके ही करें, अगर बिगनर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल सकता है जैसे ये कर रहे हैं। इसमें भी देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ट्राइसेप पे पूरा लोड ट्राइसेप पे आता है। जितना हैवी लेके डंबल जाइएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से नंबर 3 वर्कआउट करना है। और लास्ट वर्कआउट बता दूँ, लास्ट वर्कआउट बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें कि मैं वीडियो कैसा बताता हूँ, कैसा नॉलेज देता हूँ, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। फोर्थ और लास्ट वर्कआउट जो होगा रिवर्स कर्ल होगा, जो कि बेसिकली फोर आर्म्स को ट्रेन करेगा। आर्म में पूरा जब आर्म्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप एंड ट्राइसेप तो हो गया, फोर आर्म्स बाकी है, तो फोर आर्म्स के लिए ये वाला वर्कआउट करें कि फोर आर्म्स का 1 से 2 वर्कआउट करें काफ़ी है। कुछ इस प्रकार से फोर आर्म्स को ट्रेन करना है आपको, रिवर्स कर्ल करना है। देख रहे हैं कितना अच्छा फोर आर्म्स निकल के आ रहा है जब आप इस वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही वर्कआउट इस वाले वर्कआउट को भी परफॉर्म करें, 10 से 12 रेपिटेशन करें, ज़्यादा रेपिटेशन ना करें, 10 से 12 रेपिटेशन, नंबर ऑफ सेट 3 से 4। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।